देखो ये लड़के अभी तक सोए हुए हैं और ये लड़कियाँ तैयार होके रिहर्सल के लिए पहुँच चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा गला बैठ चुका है जिसको बोलते हैं, बट हम लोग अभी तक रिहर्सल कर रहे थे, सुबह जल्दी उठ गए थे, अभी तक रिहर्सल हो रही थी और अब चले हुए ब्रेकफास्ट करने। लोग आपको सुन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीछे वो भी चला हुआ है ना फोन वगैरह, तो वहाँ पे वो लोग नाचने वगैरह लगे हुए हैं। ये मुझे ना आप भी नाच नाच के चले हुए हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। भूख भी बहुत लगी हुई जी? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो रात को हम लोग ऊना पहुँचे थे। मैं दिखाती हूँ आपको हम लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे कैसा है। इनकी शायद परफॉर्मेंस है, बस वही चला हुआ इन लोगों का इधर को। तो ये DAV स्कूल है यहाँ ऊना का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल DAV। चलो अभी वहाँ पे हमारा स्कूल जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा सा दूर है ये स्टेडियम, और मैथ वगैरह सब कुछ दूर ही है, तो हम मतलब अभी तक चले ही जा रहे हैं। इन सड़क तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि DAV स्कूल है वो यहाँ जुड़ा अंदर को है। चलो अभी चलते हैं। हाय, बच्चे आ गए वापस ब्रेकफास्ट करके, हम लोग जा रहे हैं अब चलते हैं। सो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश इंदिरा स्टेडियम में, आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलो जी, वेलकम वेलकम। ओ थैंक यू थैंक यू। सो ये वाला है इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये हाँ, चल मोक्टा के पैर पड़ते हुए। यहाँ पे भी प्रैक्टिस चली हुई है। हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने अपना स्टेज देखा कि कहाँ पर कैसी चीज़ें जो भी है, तो अभी हम, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कूपन सिस्टम होता है कि कूपन देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच डिनर वो सब कुछ कूपन्स पर ही डिपेंड होता है। अगर कूपन्स है तो लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, अगर कूपन्स नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर को ढूँढ रहे कि वो है कहाँ। हद, चलो से ब्रेकफास्ट करते हैं जब यूथ फेस्टिवल में आते हैं। हाँ ऐसे, चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और अब इधर को चली हुई है रिहर्सल, क्योंकि हमने स्टेज देख लिया है, तो एक बार वही है कि जस्ट स्टेज के हिसाब से हम लोग रिहर्सल कर देते हैं। तो ये लोग रिहर्सल करने लगे हुए और उसको देखो क्या कर हितेश, क्या कर रहा है? खेलम के लाई, चलो चलो बुला दिया। जैसे कि यहाँ पे रिहर्सल चली हुई है तो यहाँ पे लोग भी आ रहे परे, तो वो लोग उधर फोटो खींच रहे थे। एक डायलॉग था रजत भैया का कुछ, तो जैसे ही उन्होंने कुछ बोला ना तो उनको लगा कि उनको बोला, और वो इतने जोर जोर से हंस रहे थे ना यार, लोग क्लोल नहीं मच रही, यहाँ पे सारे लोग ऐसे देख रहे हैं। काला दिख रहा है, काला काला। अरे कितना गोरा हूं मैं साला, ओ देख ले, भाई ले, अब देख। ये धूप पड़ रही है। हां लेकिन अब बैंड बजी हुई है मेरी, जिसको वो एक नंबर वाली, एक नंबर वाली बैंड बजी है। आज ना मैं इस गले के चक्कर में तीन चाय नहीं, तीन नहीं दो चाय पी गई, पता चाय मैंने कहा थोड़ा तो ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलो इनके रिहर्सल देखते हैं अभी। यहाँ पर पूरे हिमाचल से लोग आए हुए, मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, और कुछ इधर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम लोग इधर को रिहर्सल कर रहे हैं,
कुछ लोग हमें मेरी बैक साइड को रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ लोग इधर पार को रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब जो किनारीज है उनका चला हुआ उधर को, कुछ उनका दिख रहा है ऐसे यहाँ पे रिहर्सल चली हुई है पूरा दिन यहाँ पे यही हो रहा है। तो अभी बोल तो रहे थे कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, बट देखते कब तक स्टार्ट होता है। अब लोगों का तो ये था कि पहले स्टेज का देख लेते हैं, तो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो पाएगा। मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो गला गया भाई, हो गया ठीक है। देखो ये लोग चले हैं आगे, कॉस्ट्यूम में जितने भी है वो लोग जा रहे हैं अब, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। जैसे वो अभी अंदर जाके सेटल होंगे, जो भी चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे होंगे तो उनका स्वागत करेंगे। हमें फॉर्म्स दिए गए तो हम लोग अभी फॉर्म्स भर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, और अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं अभी कि अभी हमने स्टेज का मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज भी करनी है, फटाफट से फ्री हो जाए तो बेटर रहेगा। बिल्कुल चंबा के होने ही है। अच्छे लग रहे हैं, अभी परफॉर्मेंसेस देखने आए थे, तो अभी सोलन की परफॉर्मेंस है, सोलन डिस्ट्रिक्ट की। मेरा गला गया जिसको बोलते कुछ भी नहीं सुन रहा है। चलो देखते हैं स्टार्ट होने वाला है। इन शख्स को देखो, गए थे सेट का काम करने और ये क्या लेके आए हुए। भैया एनर्जी भी जरूरी है। अच्छा माहौल गर्मा गर्मी वाला है ना, संतरे खा के ठंडे रहो। मिला नाइस कवर, नाइस कवर, हाँ नाइस। क्या क्या खबर इस शख्स को कुछ पता चलता ही नहीं। हद है यार हद, बस ठूसने में जोर दे रहेगा। ठूसो प्रॉपर्टी का हुआ, हमारा तो हो गया किचन का। आचल यार तेरी आवाज ना मैंने आज इससे पहले आज तक इतनी खूबसूरत कभी नहीं सुनी, कानों को शांति दे रही, सच बताऊं कभी ना गई का। क्या विचार इनका बोलने का, मतलब है आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अरे तेने अलग ही परेशान कर रखा है भाई, कौन सा चक्कर है ये तुम्हारा हमारे पास। ले बेटा खाना, ये खा लो। हाँ। ये लो ऑरेंज ले लो। जय शनिदेव। ये देखो यहाँ पे हम लोग कैसे अपने स्टेज के लिए प्रॉपर्टीज इकट्ठा कर रहे हैं। सेट सेट इधर व्लॉगिंग हो रही है, इधर काम हो रहा है। करो 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 और जी औरती है बस इतना ही है। हां अरे का चाहिए। आ चल तू मत आ यार, दलदल है सूखे पड़े यार। तू मुंह बंद रख, नहीं तो पिटा मैंने तेरे को नीचे आके। कोई ना मैं हूं हल्का भाई, मैं नहीं उसमें जाऊंगा मामती। हां मगर तेरा रिस्क। हां जी मामती बंदर ऊपर पीछे भी और चाहिए मामती पत्थर। ओके ये क्या है? अच्छा मेस कार्ड, देखो हमें मेस कार्ड मिल गए। ऐसा कौन सा पेड़ है धरती पे जिसकी लकड़ी नहीं होती? थप्पड़ खाएगा इतना गंदा जो मुंह के सामने तब बोल रहा है गधा। मेरी तो नॉलेज ना पड़ी थी ये देखिए आंचल मोक्टा यहाँ पर, और गरिमा जी यहाँ पर, भाभी जी यहाँ पर जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं सेट बनाने की। टान टान टान। ओ भाई चूल्हा बना रहे, वाह। ये देखो ईमानदारी से लगे हैं बेचारे। कांटों को छांट रहे हैं।
खून दो इसको, हाथ में कांटा ले जाएगी। ये देखो हमारा सेट भी तैयार है बनकर। ये अभी लाला जी लगे सेट को बांधने। ओ भाई मंटी जन्मदिन मुबारक हो यार। ओ भाई मेरे को ना लग ही रहा था जब ये ऐसे बोल रहे थे कि वो मेरा फ्रेंड कोई नहीं है, हमारे मामटी का जन्मदिन। अभी को याद आई क्या? मैंने देखा अभी यार इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे टू। अरे हो बाढ़ गिर जाना। ओ चल मां सच में आया यार, ऐसे मत करो। सच में? हां करी मदी को चक्कर आया। तो अभी ठीक हो चुके हैं, पानी पुनी पिलाया इनको अभी। हाँ आई, आप रेस्ट करो थोड़ी देर। अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब गरिमा एकदम ठीक हो गई है और चूल्हा बनाने लग गई है और फिर से अपने काम पे जुट गई। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। हाँ डेडिकेशन, पैशनेट। जल्दी हो जाए तब डेडिकेशन। तो भाई मिनट पहले हो गया। अरे भाई जी गिर जा रहा है रोहित को ना, नीचे से लगाओ ये। आज चलो फिर घुमा के लगा ये साइड नीचे लगा। अरे ये तो बंदा क्या कर सोच लेता है, मेरे दिमाग को पता है कितने टूट आ गए यार। चल भाई चे मिट्टी ले लाते अब। और लानी मिट्टी? ये देखो फिनिशिंग कर रहे हैं बच्चे अंदर से। ये देखो इन्होंने कैसे कितना अच्छा कर दिया है। चढ़ने स्टेज पे जजेस, इतनी सफाई हुई है इसमें है ना। अरे टाइम लिए ये काम मैंने किया हुआ है ना अपने घर में, इसलिए मेरे को आता है। इन्होंने किया नहीं वहां। मैंने किया वहां चूल्हे ही बनाए। चूल्हे बनाए हमने। हां चूल्हे ही बनाए इन्होंने सबके। चूल्हे जलाए सबके। अब ऐसे करो प्रॉपर्टी करो ना एक साइड को और चलो थोड़ा सा आराम करो, ऐसे जाओ और आओ फिर प्रॉपर्टी लेकर साथ। तू तो करी नहीं माता का इसमें साथ। माता चक्के तो नहीं ले जाना पड़े। फ्रूट पाक के बच्चे थे वो खा ले, खा लिए सारे खा दिए। फ्रूट्स पहले ही मार देनी अगर उठे ही ना। ये हाथ धो रहे अब देखो इतना वाव एकदम असली चूल्हा बना एकदम असली, बस आग जलाने की कमी है। और ये साफ नहीं करना पड़ेगा थोड़ा? अरे कोई नहीं, ये ऐसे ही रहता है अंदर, मिट्टी मिट्टी होनी चाहिए ना नीचे भी। इतनी बार हमारा चूल्हा नजदीक से देखो। हितेश का आज जन्मदिन है, तभी तो सुबह सुबह तभी तो सुबह सुबह बोल रहा था मेरा कोई दोस्त नहीं है। बोलो मेरे को तो भाभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्ले से पहले चक्कर ये हमें लगा के सीन यही हो गया। इस शख्स को देख रहे हो आप? बोलो थोड़ी एक्टिंग और कर लेती, लड़कियां आई थी दो दिन और आ जाती। ये मनोहर ना सच में बहुत निकल रहा है। भाभी जी समझा के रखो भाई, देखना भी छोड़। अरे मर रही है, काटना है ये फूलमा का। पूछो जरा मेरे को पट्टी पढ़ाने लगाओ। फूलमा मेरा ही नाम है। सावित्री क्या पूछियो जरा सुमित सुमित्रा को पूछो जरा क्या पट्टी पढ़ाने लगा हुआ था मेरे को। ऐसा लगता है आज का दिन ही हमारा बेकार है, क्योंकि इससे पहले गरिमा दी को चक्कर आया और अभी अंजलि भी फिसल गई। कोई बात नहीं, पर चूल्हा अच्छा बना है। हां बस ठीक है, अच्छा ठीक दिख रहा। हां बढ़िया बढ़िया।
रितेश अभी कनिष्क को लेने जा रहा है क्योंकि कनिष्क अभी सोलन से आया हुआ उन्ना के लिए। चंबा वालों की सब लोग डांस कर रहे थे, हमारी टीम भी जाके इतना अच्छी मजे किए। एक और परफॉर्मेंस होगी इसके लंच में, एक घंटे का जिसके सारे के सारे लंच करने जाएंगे। अभी बस ये परफॉर्मेंस सुनते हैं उसके बाद चलते हैं लंच करने। 2 बजे लो जी कनिष्क जी पहुंच चुके हैं और व्लॉग नहीं रुका, मेरे को गला खराब है, आज व्लॉग नहीं होना होगा होगा व्लॉग आज का व्लॉग नहीं बंद हो सकता। यहाँ पर तबला वगैरह चला हुआ है और बाहरली साइड बाकी प्रोग्राम्स है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एकदम से नहीं हो पाता है जल्दी कवर अप, तो इसलिए दो दो जगह चला हुआ है प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कैमरा मेरे हाथ में है क्योंकि गला तो इनका चल नहीं रहा है और बहुत अच्छे लग रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे। यहाँ पर अभी हम खाना खा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं आप खाने का इंतजाम। वैसे मैं पिछले साल भी था यूथ फेस्ट में, ओपन यूथ फेस्ट में, और इस बार बेटर हुआ है मेरे हिसाब से। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि लंच ब्रेक ओवर हो चुका है। ये लोग सिर्फ ब्रेक में रिहर्सल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रूम आ चुके हैं और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे 1-1.5 घंटे का, उसके बाद अगेन मिलेंगे और ये लोग फिर से रिहर्सल करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट स्टेज की तरफ क्योंकि इसके बाद प्ले होना है। तो चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे। हम जाने वाले स्टेज पर इस समय आप देख सकते हैं और यहाँ पर सारे रेडी हो रहे हैं। Thank you.
आगे चल इनके पास चल। भगवान को छोड़ के उसकी पूजा कर तू है ना। तुम करो जितना चुप और जल्दी जल्दी।